बॉलिंग एक्शन एनालिसिस ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम वसीम अकरम। वसीम अकरम वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फास्ट बॉलर एवर बॉर्न। कंप्लीट इसलिए क्योंकि बहुत कम फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं जो कि हायर पेस पर कंट्रोल के साथ नई बॉल को दोनों तरफ मूव करा पाते हैं। वसीम अकरम बैकफुट कॉन्टैक्ट से एक साइड ऑन फास्ट बॉलर थे और इनकी बॉलिंग में जो है दो की अट्रैक्टर मिसिंग थे। अगर आप बैकफुट कॉन्टैक्ट के टाइम इनका बैकफुट ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे इनका जो बैकफुट है वो कंप्लीटली फोर्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इसके कारण जो है इनका इंटरनल हिप रोटेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है परफेक्ट हिप टू शोल्डर सेपरेशन पोजिशन पर नहीं आ पा रहे हैं। आप किसी भी साइड ऑन फास्ट बॉलर की बॉलिंग में अगर हिप टू शोल्डर सेपरेशन पोजिशन मिसिंग है तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अपने फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट पर फ्रंट फुट को ब्रेस करना। तो इसी रीजन से जो है फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट पर जो है इनका नी काफी ज्यादा बेंड हो जाता था। वसीम अकरम अपनी बॉलिंग में जो है मैक्सिमम पेस फॉरवर्ड जंप और अपनी आर्म स्पीड के थ्रू करते थे। फॉर्चुनेटली वसीम अकरम की बॉलिंग में कोई भी लेट रिफ्लेक्शन नहीं होता था, जिससे कि ये जो है 12 o'clock पोजीशन से बॉल को रिलीज कर पाते थे, जिससे इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी बॉल को दोनों तरफ मूव कराने। अच्छा, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपकी वसीम अकरम से रिलेटेड कौन सी फेवरेट मेमोरी है और अगला बॉलिंग एक्शन एनालिसिस आपको किस बॉलर के ऊपर चाहिए।